तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 10 पद संख्या 34 और 37 से 43 तक। पैत्रुस ने शतपति और उसके परिवार से कहा, नाजरेत के यीशु के विषय में यहूदिया भर में क्या क्या हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। ये सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यौहन ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। जो कुछ उन्होंने यहूदियों के देश और यरूशलेम में किया है उसके साक्षी हम हैं। उन्हीं को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया, सारी जनता के सामने नहीं बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले ही से चुन लिया था। वह साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है और उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो कोई उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ये ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। ये ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। इस इज़राइल का घराना ये कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। ये ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। प्रभु के दाहिने हाथ ने अपना बल दिखाया है, उसके दाहिने हाथ ने मेरा उद्धार किया है। मैं नहीं मर जाऊंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। अनुवाक्य। ये ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। ये प्रभु का कार्य है, ये हमारी दृष्टि में अपूर्व है। अनुवाक्य। ये ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। दूसरा पाठ कुलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1-4 तक। पाठ का मूल संदेश है, आप लोग ऊपर की चीज़ों को खोजते रहें जहां मसीह विराजमान है। भाइयों, आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं,
जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है। इसलिए ऊपर की चीजों को खोजते रहें, आप पृथ्वी पर की नहीं ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1-9। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेत्रुस तथा उसे दूसरे शिष्य के पास, जिसे यीशु प्यार करते थे, दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेत्रुस और दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेत्रुस को पिछेड़कर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि छालटी की पट्टियां पड़ी हुई हैं, किंतु वह भीतर नहीं गया। सिमोन पेत्रुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई हैं और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बांधा था वह पट्टियों के साथ नहीं, बल्कि तह किया हुआ दूसरी जगह अलग पड़ा हुआ है। तो वह दूसरा शिष्य भी, जो कब्र के पास पहले आया था, भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्म ग्रंथ का वह लेख नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।